हम मुंबई आए हैं और मुंबई आने के बाद मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है और यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। भागदौड़ की ज़िंदगी में उनके जीवन में बहुत सारे तनाव हैं, डिप्रेशन है। स्पिरिचुअलिज्म के माध्यम से, आध्यात्म के माध्यम से, बिना किसी दवाई के, सबसे बड़ा मेडिसिन है हमारा आत्मबल, हमारा स्पिरिचुअलिज्म। उसके माध्यम से मुंबई कर जितने हैं, मुंबई के लोग हैं, वो तनाव रहित जिंदगी जिए और भारत के उत्थान में अपना योगदान बहुत ज़्यादा दें, इसके लिए मैं मुंबई के दौरे पर 3 दिन के लिए आया हूँ। आज यहाँ पर मेरा कार्यक्रम था, हमने लोगों को संबोधित किया है। मुझे विश्वास है कि लोग आनंदित होंगे, सफल होंगे और भारत की उन्नति में अपना योगदान देंगे। सर, इन दिनों हम देख रहे हैं कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही है लोगों के साथ में। सर, क्या क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से कि लोग पॉजिटिव फील करें? देखिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, नहीं तो सर्वत्र दुख व्याप्त है। एक दृष्टि भगवान राम की है जो कहते हैं कि जो मेरा है वो सबसे सुंदर है, और एक दृष्टि रावण की है जो कहता है जितना सुंदर है वो सब मेरा होना चाहिए। तो जो लोग रावण की दृष्टि से जिएंगे उनको तनाव होगा, जो भगवान राम की दृष्टि से जिएंगे उनके तनाव कम होंगे और वो आनंद में जिएंगे। सर, रामनवमी भी आने वाली है अभी, क्या कहना चाहेंगे सर अयोध्या में राम मंदिर? देखिए, ये वर्ष तो भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ है। 500 वर्षों से खोई हुई भारतीय अस्मिता को 22 जनवरी को प्राप्त किया गया। अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। अब सब लोग, भगवान राम का जन्म तो हर बार आता है लेकिन हमारे हृदय में जन्म ले, अब तक पांडालों में जन्म ले रहे हैं, जब हमारे हृदय में भगवान राम का जन्म होगा, आचरण आएंगे, तो भारत राम राज्य की ओर जाएगा। देखिए, पिछले दिनों में अभी अयोध्या में था तो जर्मनी के एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि जर्मन के बच्चे भी जानते हैं कि जब वेटिकन सिटी की बात होती है तो क्रिश्चियनिटी याद आती है, जब मक्का मदीना की बात आती है तो इस्लाम याद आता है। वैसे अयोध्या, मथुरा और काशी की जब भी याद आती है तो हिंदुत्व, तो भगवान राम, कृष्ण और भोलेनाथ याद आते हैं। तो ये तो सर्वविदित है, ये भगवान के स्थान हैं और ये सारे स्थान पर भगवान का दिव्य मंदिर एक बन भी गया, उनका विकास भी हो रहा है। मुझे विश्वास है कि 140 करोड़ भारतवासी आपस में मिलकर और आक्रांताओं द्वारा जो कुछ तोड़े गए थे, बर्बाद किए गए थे, उनको पुनः खड़ा करके हम सब देशवासी एक साथ रहेंगे, तीनों जगह मंदिर बने। देखिए, मैं उनकी नीतियों पर बहुत विश्वास रखता हूं और जिस मनुष्य की नीति अच्छी होती है वहां नियति भी उनकी सहायता करती है। तो प्राइम मिनिस्टर को मैं देख रहा हूं कि भारत के लिए काम कर रहे हैं, 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो या किसी चीज के लिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये बोलने में संकोच नहीं होना चाहिए क्योंकि आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, लोकतंत्र में आपको अपने मतों का प्रयोग करना होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो तो साधु का काम है उनके लिए बोलना और लोगों में जागरण करना। मुझे लगता है सरकार अच्छी है और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रकाश जी ने गाना गाया है, क्या कहना चाहेंगे? प्रकाश जी मेरे पुत्र समान हैं और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा गाया है, मैं परसों भी सुना था उनको। और मुझे लगता है ये उभरते हुए नहीं, बड़े एस्टेब्लिश्ड हैं, आने वाले दिनों में ये अच्छी चमक बिखेरेंगे इस मुंबई नगरी में भी और भारत में भी। थैंक यू सर। हेलो सर, क्या कहना चाहेंगे? एक हफ्ता है और कैसे ऐसा है, हम कोई नहीं, हम तो सिर्फ मात्र साधन है, हम लोग कोई भी नहीं है। ये विजय जी ने कुछ दिन पहले मुझे कहा ये आयोजन करना है, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर बीच में कुछ ऐसे बदलाव आए कि हम डेट चेंज करना चाहते थे सर, और बेसिकली मैं ही कर रहा था ये कार्यक्रम और कोई नहीं कर रहा था, मैं अकेला ही कर रहा था। तो ये विजय जी ने डेट भी चेंज करने दी मुझे, तो फिर हमने कहा ठीक है चलो अभी हम लोग शेयर कर लेते हैं। तो कल मिस्टर खोसला ने कर लिया एम्पायर हाइट्स में, आज हमारे भाई प्रकाश जी ने कर लिया ऐसे मिलकर के, कल हमने उनको 7 दिन में और परसों जो भी है ऐसे डिवाइड कर लिया। देखिए ऐसा है कि गुरु महाराज जी की, बिना किसी गुरु महाराज के जीवन किसी काम का नहीं है। जिसको अगर किसी मार्ग चाहिए और किसी को किसी अच्छे रास्ते पे चलना है तो गुरु की कृपा से, गुरु के मार्गदर्शन से ही हो सकता है। तो हम लोगों ने इसका जो है कोशिश किया मिलकर सब लोगों ने। मैं 3 दिन से गुरु जी के साथ कल रात में मैं यहाँ से निकला हूँ 2 बजे रात को, तो मेरी सिस्टर है हम लोग, तो इसलिए क्योंकि है होता नहीं, क्योंकि क्या है कि ये इतना हमने प्रयास किया, इतना अच्छा आज तक इतना अच्छा बढ़िया, इनके कारण म्यूजिकल प्रोग्राम भी हो गया, इतना अच्छा इन्होंने अरेंजमेंट किया। कल मिस्टर सुनील खोसला ने किया यहाँ पर,
और परसों हम लोग मतलब तीनों दिन मैं साथ ही था, कभी भी बोलते घर पे आ जाओ, तो वो ऐसा है कि करने वाले वही हैं, कोई एक साधन है। हाँ, बिना किसी के गाइडेंस के, बिना किसी के मार्गदर्शन के कोई आदमी नहीं सफल हो सकता अपना जो है। अगर किसी को सफल होना है, और अभी कई चीजें पता लगी हैं कि खुशी जीवन में ही है, खुशी तो जीवन में है, सक्सेस भी है वो भी खुशी में है। कई चीजें ऐसी हैं जो हमें बिल्कुल भी अज्ञानी वाली बातें थी, गुरु जी के आने पर हमें चीजें अच्छी पता लगी हैं। वैसे हमारी सिस्टर टाइम टू टाइम हमें दीदी रेखा दीदी हैं, ज्ञान की बातें सब हमें सिखाती रहती हैं। बट ये है कि बिना गुरु के गति नहीं, गुरु ही जरूरी है। इसीलिए हम लोगों ने ये रास्ता भी अपनाया है और हम लगता है हम इसमें निरंतर करेंगे, कुछ प्रयास करते रहेंगे। और हमने अभी कल ही आपको गुरु जी को कहा कि एक धार्मिक किताब निकालेंगे, महा या विश्व गुरु नाम की धार्मिक किताब निकालेंगे। वो भी हमसे कल डिस्कशन हुआ, और आज भी अभी बोलते जाते हम बोलते गुरु जी तू आ जा वहाँ पे। तो स्नेह है कोई पिछले जन्म का होगा, जो हम लोग इस लायक तो नहीं है समझते अपने को, मगर गुरु के अपने जो है बच्चे नो पे चलकर शायद कहीं ना कहीं पहुंच जाए। अभी तो तक कहीं पहुंचे नहीं, पहले गुरु है आपने बनाया जी, बिल्कुल सही कहा, कोई गुरु नहीं हमारा, हमारे बिल्कुल पहले गुरु है। और अभी इनको बल्कि ऑफिशियल जाके घोषणा वृंदावन में जो इनका मेरी दीदी वहाँ पे इनका भी वृंदावन में और वर्धन में है, इनका भी आश्रम है दीदी का। तो अभी वहीं पर कुछ ऐसा ही कुछ थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा सा समय निकालते रहेंगे, अगर महीने में दो चार तीन दिन भी तो निकाला करेंगे, क्योंकि अगर कुछ अभी उम्र क्या चीज देखी गुरु में आपने, गुरु बनाया बड़े 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 सच्चे लगे इंसान, बड़े रियलिस्टिक लगे और बड़े नेचुरल लगे, क्योंकि कोई है ना आजकल के जो गुरु हैं कहीं बनावट लगती है शब्दों में, कुछ ऐसी बातें करते हैं। और इनकी इनकी इनके अप्रोच में ऐसा लगा कई बड़े टू हार्ट सीधा बात करते हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं ये महसूस करता हूँ कि अगर इनके बताए हुए रास्तों में चलेंगे तो शायद कहीं ना कहीं हम भी और जो भटके हुए इंसान है पहुंच जाएंगे। और सर आपको दीपक सर चाहते मैक्सिम पत्रकार हैं जी, कितना अच्छी फिल्म शोकेस करना चाहिए धार्मिक। देखिए ऐसा है, मैं वैसे तो पिछले 40 सालों से पत्रकारिता कर रहा हूँ और बड़े अप्स एंड डाउन देखे हैं लाइफ में। अब ये मुझे तीन दिनों में जो मुझे आनंद कल से उन्होंने जो कहा, स्पेशली कहा कि जो भी करो आनंद से करो, तो कल ऐसा मैं लग रहा है कि भी अगर उसी चीज़ों की जो उन्होंने बताई बातें बताई हैं, वैसे तो जीवन तो ऐसे ही है, इतनी कब खत्म हो जाए मालूम नहीं, बट ऐसे ही अगर थोड़ा चेंजेस आई ना जीवन में तो डेफिनेटली निरंतर हम हमारी जीवन में भी कुछ ना कुछ चेंज आएगी, डेफिनेटली आएगी। पत्रकारिता के साथ ही ये भी हम उपलब्धि होगी हमारी जी। तो कुछ शब्द मेरे सिस्टर से पूछो, ये बहुत धार्मिक है। ये ऐसी आवश्यकता है कि एक छोटे से उदाहरण से बताती हूँ। एक सब्जी वाला, सुना आप लोगों ने सबने होगा, वो सब्जी तोला करता था एक बाट से। तो एक जौहरी गया, बोले ये मुझे दे दे, तो 50 रुपए का दे दे। तो बोले ये तो पत्थर है, तुम 50 रुपए का क्यों ले रहे हो? तो बोले दे दे, लेकिन लिखा पढ़ी में दे, क्योंकि फिर मैं ये वापस नहीं दूंगा। फिर उसने कहा क्यों? फिर उसने बताया, सब लिखा पढ़ी कराई, तो फिर बोला कि ये हीरा है, कोनूर हीरा, और कोनूर हीरा हमारे अंदर हमारी सांसें हैं। इसको बताने के लिए जिस तरह वो जौहरी था, वो जानता था कि ये कोनूर हीरा है, पत्थर नहीं है, ऐसे ही आज तक हम जीवन को भौतिकता में पत्थर की तरह जी रहे हैं, और गुरु ऐसे जौहरी हैं जो हमको बताते हैं कि हम क्या हैं, क्योंकि सृष्टा अंदर है, सृष्टि बाहर है, जानते समय, लेकिन हमको रास्ता दीपक ऐसे गुरु दिखाते हैं। और इन गुरु में एक चीज देखी कि बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल बोलते हैं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी को बताया, लेकिन कलयुग में ऐसे गुरु कम मिलते हैं। नवयुगों को कितना ज्यादा धार्मिक जो ज्ञान है, कितना ज्यादा चीज को ग्रहण करना चाहिए? देखो ग्रहण क्या है, सबसे पहले संस्कार हमारे यहाँ से, हमारे परिवार से ही मिलती है। ये गुरु तो अब है, बचपन तो माँ बाप ही देते हैं ना। जब संस्कार अच्छे होंगे तो ऐसे गुरु का साथ भी अच्छा साथ देगा। तो जड़ी नहीं होगी, हमारी जड़ी अच्छी नहीं है दिखाने के लिए भौतिक। अभी आपने देखा ना, गुरु जी ने कितना अच्छा प्रवचन करा, लेकिन लोगों ने धक्का दे रहे हैं, इसको मार रहे हैं, उसको मार रहे हैं, तो क्या सीखा? 5 मिनट में ही देख लो आप,
और आखिरी मैंने कहा फिल्म से संबंध है आपको, तो क्या कह रहे थे फिल्मों में जो धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बनाए जाते प्रोजेक्ट्स, तो वो कितना ज्यादा गलत मानते हैं आप? देखिए ऐसा है, ये षड्यंत्र है, 1970 से तकरीबन ये ऐसे कुछ लेखक आए हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने इसकी नींव रखी, बड़े बड़े राइटर हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पर इस मंच पे क्योंकि धार्मिक कारणों से अभी हमारे यहाँ से आज चल रहे हैं, तो निवेदन है ये कि उनकी साजिश पिछले 50 साल से चल रही है और अभी जाके कुछ दो एक सालों में चीज़ें निरंतर चेंज हो रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं और ऐसी चीज़ें, क्योंकि क्या है अगर आप फिल्म में देखोगे तो कई फिल्मों में देखोगे अपना जो शिवजी सेट के बाद जो ड्रेसअप है शिवजी के बेस में और बाल बीड़ी पी रहे हैं, एक बड़े बहुत बड़े नामचीन प्रोड्यूसर ने उनको भागते हुए दिखाया, एक दूसरे प्रोड्यूसर ने बिना किसी नाम के ही, तो चीजें मन ने तो नाम क्या डरने क्या संजय लीला बंसाली ने दिखाया कैसे राम अपना जो है बड़ा दुर्भाग्य है, फिर वो दूसरा एक और राजू हिरानी जो है पीके में, तो इन्होंने बड़ा ही गलत खेल खेला है और हम हिंदू जो हैं कुछ कहीं कुछ काफी खुद दोषी हैं, हम हिंदुओं को देखे क्या, मैं बोल रहा किसी जात को के अगेंस्ट नहीं हूँ, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट ये हम ही क्यों टारगेट किया जाता है, बाकी के लोगों को क्यों नहीं टारगेट किया जाता, उनके भी धर्म है, उनके भी धर्म गुरु हैं, उनके भी भगवान हैं, तो उनको टारगेट नहीं करेंगे, हिंदुओं के शिवजी बीड़ी पी रहे हैं, शिवजी भाग रहे हैं, हनुमान जी सब ऐसा, ये खिलवाड़ वाले जो लोग हैं अब वो थोड़ा समझ जाए, सतर्क हो जाए, अब उनकी बारी आ गई है, अब उनके भागने के दिन आ गए हैं, भले वो कितने भी काम जाब हो, अब देश की जनता जाग गई है और उनका समय आ गया भागने का, वो चाहे पीके हो, चाहे वो राजू हैरानी हो, चाहे वो संजय लीला बंसाली हो, चाहे कितने भी कामयाब हो, इस ये जो धार्मिक चीजें हैं अब नहीं चलेंगी, अब खिलवाड़ नहीं चलेगा, जो कर लिया सो कर लिया, अब नहीं हो पाएगा, ये मेरा खास तौर पे विनम्र निवेदन है, किसी कास्ट के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, हम सब खाना मिलकर खाते करते हैं, हम सब भाई हैं, मगर एक ही धर्म को टारगेट करके उसी को प्रहार करते हैं ये गलत है, जैसे हम सब इकट्ठे हैं, हम भाई हैं, एक फैमिली है पूरी फिल्म इंडस्ट्री, मैंने 43 इयर्स दे दिए फिल्म इंडस्ट्री में, कभी मैंने सोचा नहीं कि ये आप दूसरे धर्म के हैं, मैं किसी दूसरे धर्म को कभी नहीं सोचा है, ना कभी सोचेंगे, मगर हमारे धर्म को हमारे कास्ट को हमारे रिलीजन को टारगेट करेंगे तो अब हम लोग नहीं सहेंगे। अमंगल हारी द्रवहु तो दशरथ हजर बिहारी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। अब इसके आगे क्या कहना है, क्योंकि राम हैं तो सब हैं और आज सद्गुरु रितेश्वर जी का यहाँ पर आगमन हुआ, उनके आने से, उनकी वाणी से, उनके शब्दों से आज बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग कृतार्थ हो गए, उनका आशीर्वाद मिला। मैं भी बस यही कहूंगी, गुरु जी ने हम सबके जीवन पर जो प्रभाव डाला है अपनी बातों से, अपने प्रवचनों से, उसका हम सबके जीवन पे मानो या ना मानो असर है और होगा भी, क्योंकि वो बातें दिमाग को छू कर अंदर तक गई हैं और एक सदगुरु मिल गए जीवन में और क्या चाहिए, जीवन में किसी ना किसी गुरु की जरूरत है, वो मिल गया तो जीवन आधा तो वैसे भी सफल है, क्योंकि उनके बताए हुए रास्तों पे धीरे धीरे चलते जाना है, सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा। तिवारी जी, सदगुरु जी आपको आशीर्वाद दे के गए हैं, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तो उनका स्वागत करने का मौका मिला, इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकती, मुझे बहुत अंदर से अनुभूति है, बहुत खुशी है कि इसी तरह उनका आशीर्वाद हम पर बना। तारीफ भी किया है, तारीफ भी करते बस उनकी तारीफ हमारे लिए आशीर्वाद है, बस उनका आशीर्वाद मिला। थैंक यू आप।